हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। और गाइस, काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से आज मैं आपको पटना के रुकनपुरा खगौल रोड से जो पाटलिपुत्रा जंक्शन पर जाने के लिए जो पाथवे का निर्माण करवाया जा रहा है, इसके बारे में मैं कई बार अपडेट दिखा चुका हूं। आज फिर से मैं आपको वहाँ चल रहे काम का अभी क्या स्टेटस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे उन सभी व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है कि गाइज़, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा पटना की ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए और आने वाले समय में कुछ इंटरेस्टिंग सा इस चैनल पर देखने के लिए भी। तो गाइज़, अभी मैं रूपसपुर फ्लाईओवर के नीचे हूँ और मेरे ठीक सामने आप दीघा एम्स एलिवेटेड रोड देख पा रहे होंगे। और इस फ्लाईओवर के नीचे से जो नाला क्रॉस कर रहा है उसी के ऊपर एक पाथवे का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे होते हुए लोग पाटलिपुत्रा जंक्शन पहुंच जाएंगे। वैसे आपको तो पता ही है कि जो लोग गोला रोड, सहुना मोड़, आरपीएस मोड़ या फिर दानापुर खगौल के तरफ रहते हैं, उन्हें रूपसपुर फ्लाईओवर क्रॉस करके पाटलिपुत्रा जंक्शन जाना पड़ता है। बट अब इस नाले पर बन रहे पाथवे के थ्रू अब लोगों को उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इधर इस रूपसपुर खगौल रोड से होते हुए पाटलिपुत्रा स्टेशन पहुंच जाएंगे। वैसे मैं लोकेशन के बारे में बताऊं तो ये जो पाथवे बनाया जा रहा है इसे दीघा एम्स एलिवेटेड रोड के पिलर नंबर 216 के ठीक नीचे बन रहा है। और गाइज, इधर पाथवे बनाने का एक और कारण है और वो ये कि इधर मेरे लेफ्ट साइड जितने भी लैंड आप देख रहे हैं इन सभी एरिया को डेवलप किया जा रहा है। काफ़ी तेज़ी से यहाँ मकाने बनाई जा रही हैं और आने वाले 2 से 3 सालों में तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। और इसको भी ध्यान में रखते हुए इधर ये पाथवे का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि इस तरफ रह रहे लोगों को स्टेशन पहुँचने में आसानी हो सके। तो गाइज़, आइए मैं आपको सीधा लोकेशन पर लेकर चलता हूँ। तो गाइज़, ये रहा रुकनपुरा खगौल रोड और यहाँ आप देख सकते हैं पिलर नंबर 216 के पास ये जो पाथवे है उसका निर्माण करवाया जा रहा है। और सामने आप पाटलिपुत्रा स्टेशन को भी देख सकते हैं। बट यार, यहाँ की मेरी पिछली वीडियो करीब 2-3 महीने पहले आई थी, उस टाइम भी यहाँ इसके पिलर का ही काम हुआ था क्योंकि उस टाइम बारिश का मौसम होने के कारण काम रुका हुआ था। बट अभी भी आप देख सकते हैं काम उतने पर ही रुका है, कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ा है। और आप देख भी पा रहे होंगे कैसे लोग इधर से आना जाना कर रहे हैं और वो भी लगेज के साथ उस सीढ़ी के थ्रू, जो कि खतरनाक भी हो सकता है। और अभी तो ट्रेन भी नहीं आई है, जब ट्रेन आती है तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए और जिन एजेंसियों को ये काम मिला है उन्हें जल्द से जल्द इसे पूरा करना चाहिए। वैसे आप यहाँ देख सकते हो इसी पाथवे के थ्रू आप पाटलिपुत्रा जंक्शन के तरफ जाएंगे। तो गाइज़, ये था रुकनपुरा खगौल रोड से पाटलिपुत्रा जाने के लिए बनाए जा रहे पाथवे का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नए जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।